अरे वाह यार, आज तो बहुत मजा आ रहा है यार टीवी देखने में। गाइस आपको पता है आज मैं ना यार पूरे 4 घंटे से टीवी में कार्टून देख रहा हूँ, और आज तो यार लाइट वाले ने लाइट भी नहीं काटी, वरना जब भी मैं टीवी देखने लगता हूँ ना हमेशा यार लाइट काट देता है। चलो आज तो बहुत मजा आ रहे हैं, बल्ले बल्ले मजे से टीवी देख रहा हूँ। बस यार कोई कॉफी लिया है ना, तो कॉफी पीते पीते टीवी देखने में बहुत मजा आएगा। मजा आ गया, आज तो मैंने यहीं पे टॉयलेट कर दिया, घर पे मुझे जाना भी नहीं पड़ा, अब यहाँ पे फटाफट से खेलता हूँ। मुझे अकेले खेलने में बहुत मजा आता है, मैं किसी के साथ खेलता नहीं हूँ, अकेले खेलता हूँ, अकेले खेलने में मुझे मजा आता है। बस मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो पुलिस वाला है बॉस, उसने हमारी सारी बातें सुन ली, हम गुंडागिरी करने वाले हैं ना, तो उसने सब सुन लिया। अब बॉस कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसका गेम बजा दो बॉस। अच्छा बापू, तू टेंशन मत ले, इसका गेम तो मैं जरूर बजाऊंगा। ये यहाँ पे खड़ा हो के हमारी सारी बातें सुन रहा है। हाँ बॉस बजाओ, बॉस इसका गेम बजाओ बॉस। हाँ तू देखता रहा अभी इसका कैसे गेम बजाता हूँ। हाँ वे पुलिस वाले, क्या चल रहा है आज? अरे कुछ नहीं, तुम्हें पता भी मैंने यहाँ पे टॉयलेट कर दिया, किसी ने देखा भी नहीं, टॉयलेट कर दिया, तूने हमारी सारी बातें सुन ली बेटे, आज तेरे को कोई नहीं बचा सकता। बॉप ही बताइयो से मेरे बारे में। अरे तूने बॉस के बारे में भी कुछ जाना नहीं है, बॉस बहुत खतरनाक है, अभी तेरी हड्डी पसली तोड़ते हैं। बॉस मारो ना इसको, बॉस मारो। अच्छा मारू, ये ले चाटा का। अरे बॉस आपने चाटा नहीं, आपने घूसा मारा इसके। अरे तू चुप कर जा, मैं कुछ भी मारू तेरे मार के दिखाऊं क्या घूसा है, फिर बोलियो के चाटा मारा है। अरे बॉस मजाक कर रहा है, बॉस आप तो सीरियस हो गए। चल इसे फटाफट से उठा, लेट गए तो। अरे सिटी सुने तो मेरे मुंह पे बहुत तेज घूसा मार दिया, यही पास में सिंचन का घर है, जल्दी सिंचन को कॉल करके बुलाता हूँ, मेरे मुंह पे बड़ी तेज घुसा मारा। हेलो सिंचन। अरे हाँ यार लिटिल सिंगम, क्या बात हो गई यार, बाद में बात करियो यार, आज ना लाइट नहीं गई, मैं तो टीवी देख रहा हूँ बहुत देर से। अबे सिंचन भाई मेरी लड़ाई हो गई, एक अंकल ने भाई मेरे मुंह पे खिंचा के घुसा मारा, जल्दी आजा तेरी गली में ही हूँ। अरे बाबरी तेरी लड़ाई हो गई भाई, रुक जा मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ सिंचन भाई, मैं तेरा यही वेट कर रहा हूँ, मेरे मुंह पे घुसा मारा, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अरे तू टेंशन मत ले यार, मैं आ रहा हूँ फटाफट से, तू बिल्कुल टेंशन मत लियो। सिंचन भाई बस तू आजा, तेरा ही सहारा है। अरे यार कॉल काट दी इसने तो। अरे बाबरी यार लिटिल सिंगम की लड़ाई होगी, किसकी हिम्मत हो गई मेरी गली में जो लिटिल सिंगम को मार रहा है, आज छोड़ूंगा नहीं। पर यार लिटिल सिंगम की गलत टाइम पे लड़ाई हुई यार, आज टीवी देखने में बहुत मजा आता है। अरे सेठ जब भी मुसीबत होती है फ्रेंगिल में, जब भी इस दरवाजे को बंद कर देते हैं, जल्दी से दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। अरे यार अगर वही दरवाजा खुला होता ना, तो मैं फटाफट से भग भग के जाता और लिटिल सिंगम को बचा लेता। देखू तो सही जा करके किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे लिटिल सिंगम पे हाथ उठा दी। लिटिल सिंगम बता रहा है कि उसके मुंह पे बड़ी तेज घुसा मारा। अरे सेठ आज तो घर पे चॉप भी नहीं है, अगर चॉप होता ना उसके साथ ले जाता चॉप को, तो चॉप उसके पैर उधेड़ देता जिसने भी लिटिल सिंगम को मारा है। अरे लिटिल सिंगम भाई, अरे बाबरे यार बहुत गलत सीन हो रहा है यहाँ पे तो। अरे लिटिल सिंगम तू टेंशन मत ले, मैं आ गया। हाँ सिंचन भाई तू आ गया, सिंचन मार इनको, सिंचन मार दे, क्यों डंडा ले रखा है भाई, धमका रहा है मेरे को मारने के लिए। अरे बापू देखिए बापू कौन आया है, देखिए बापू बचाने के लिए कौन आया है। अरे हाँ जी बॉस मैं देख रहा हूँ, बॉस ये तो छोटा सा नन्ना सा बच्चा है, ये क्या बचाएगा इसको। बापू मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भी सबक सिखा दिया जाए। जी बॉस इस बार तो मैं सबक सिखाऊंगा, ये ले बच्चे। अरे बाबरे मेरे मुंह पे लात मारी बेटे, तुझे मारूंगा देखियो। बापू और मजा चका इसको, बापू मजा चका, अभी भी मारने की बात कर रहा है। जी बॉस ये ले एक और लात का, जी बॉस मजा आ रहा है मेरे को तो, बॉस आज इसकी हड्डी तोड़ूंगा। अबे सिंचन मुझे बचाने आया या तू पिटने के लिए आया ये बता। बेटे तूने मेरे मुंह पे पूरी 3 लात मारी है, देखियो अभी फ्रेंकिल भी आएंगे मेरे को बचाने, फिर देखियो तेरे मुंह पे कितने थप्पड़ लगाऊंगा बेटे, तेरे को नाले में गिरा गिरा के मारूंगा मैं। अरे बॉस देखो बॉस अभी भी मारने की बात कर रहा है। एक काम कर बापू, जल्दी से जाके सोफा लेके आ मेरे लिए फटाफट से। बापू वैसे कुछ भी कहो, तू मेरा चेला एक नंबर का है, तू 2 मिनट के अंदर जाके मेरे लिए सोफा लेके आ गया। अरे बॉस आप जो बोलो वो मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है? और बॉस इन दोनों बच्चे को देखने में कितना मजा आ रहा है ना, हाथ खड़े रखना बच्चे वरना तुम्हारी हड्डी तोड़ूंगा मैं। अरे यार ये सिंचन का बच्चा कहाँ चले गया, मैंने पूरा घर छान मार लिया, वो मेरे को दिख ही नहीं रहा, और तो और वो टीवी ऑन करके चले गया है पता नहीं कहाँ पे। अब मैं क्या करूँ उसे, कहाँ पे ढूंढूँ? एक काम करना पड़ेगा, अब ना मेरे को बंदर के घर पे जाके चेक करना पड़ेगा, क्या पता सिंचन बंदर के घर गया होगा, अगर बंदर के घर नहीं गया होगा तो लिटिल सिंगम या फिर कचरा के घर गया होगा। हाँ यार और किसके घर जा सकता है। और यार मेरे को ना गाड़ी भी लेनी है यार, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह है नहीं और सभी लोगों के पास गाड़ी है। चलो भगते हुए पहले मैं बंदर के घर पे तो आ चुका हूँ। ओए बंदर भाई बाहर निकल, बंदर कहाँ है तू? किसके हिम्मत हो गई जो मेरे बेटे को बुला रहा है, आ जाते हैं मेरे बेटे को बुलाने, पढ़ने देते नहीं है, ओए क्या दिक्कत है? अरे सर मैं क्या कहता, बंदर है क्या घर पे? अरे बंदर बंदर पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ है, तुम भी बेटा कभी पढ़ लिया करो। अरे सर मेरी पढ़ने की उम्र कहाँ है, मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर लिया। अबे 12th कंप्लीट करिए तो कुछ और कर ले, हमेशा मेरे बेटे को तंग करने आ जाते हो, भागो यहाँ से, मेरा बेटा कहीं गया हुआ है पढ़ने। अरे सर आप तो बहुत गुस्सा हो रहे हो, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। अरे यार बंदर जब यहाँ पे नहीं है तो सिंचन भी इनके घर होगा नहीं, तो मैं कहाँ पे ढूंढू यार सिंचन को, मेरे समझ नहीं आ रहा जा तो कहाँ सकता है। अरे एक सेकेंड, वहाँ पर तो लिटिल सिंगम और सिंचन है। अरे वाह यार दोनों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, वैसे यार मैंने कभी सिंचन के बच्चे को ऐसे हाथ खड़े करते हुए देखा नहीं है, आज पहली बार देख रहा हूँ इसको, अभी वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद ना
सिंचन को दिखा दिखा के सिंचन को चिढ़ाए करूंगा। बहुत बढ़िया, दोनों की वीडियो बननी है, मजा ही आ रहा है। लेकिन ये दोनों बंदे कौन है जो सिंचन के हाथ खड़े करवा रहे हैं? देखो तो सही, पहचान में नहीं आ रहे। अरे बॉस देखो, बॉस वहां से वो लड़का वीडियो बना रहा है, बॉस उसकी गुद्दी चटका के आते हूं, अभी जाते हूं। उसकी इतनी हिम्मत है, ओए हमारी वीडियो बना रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, मेला लगा है क्या जो वीडियो बना रहा है? अरे भाई ऐसे ही, मैं तो बस वीडियो बना रहा था, तुमने मेरे छोटे भाई को वो हाथ खड़े करवा रखे ना, तो मजा आ रहा है यार देखने में, मजा आ रहा है। एक काम कर, तू हमारे साथ चलते रहे, को मजे की सजा दिलाएंगे। अरे भाई भाई छोड़ दे यार, मेरे को चक्कर आ रहा है, तूने मेरे को कैसे पकड़ लिया? अरे फ्रैंकल भैया यार, तुमको भी पकड़ लिया इन लोगों ने, फ्रैंकल भैया मारो यार इनको, देखना हमारे हाथ खड़े कर रखे हैं और मेरे मुंह पे फ्रैंकल भैया 3 लात मारी है। अरे ये क्या तुम्हें बचाएगा, इसको भी बता तू, मैं बहुत ही बढ़िया। अरे फ्रैंकल भैया यार, तुम तो हमें बचाने आए थे यार, तुम भी हाथ खड़े कर रहे हो। अब सिंचन मुझे तो इन लोगों से बहुत डर लग रहा है, सिंचन क्या करूं? अरे यार फ्रैंकल भैया मारो यार, क्या हो गया तुमको? अरे बाबू देखिए बाबू, ये इनको बचाने आया था। अरे नहीं बॉस, ये बचाने नहीं, बॉस इनकी वीडियो बना रहा था, बॉस मैं इसे पकड़ के यहाँ पे लेके आया हूँ खिचेड़ खिचेड़ के। अरे भाई मैं क्या कहता, मेरे घर पे थोड़ा चाय पानी पी लो, आप भी यहाँ पे क्या खड़े हुए? अरे बाबू देखियो, ये तो हमें चाय पानी पिला रहा है। अरे फ्रैंकल भैया यार, इसको चाय पानी पिलाने अपने घर क्यों लेके जा रहे हो, उसने तो हमारे हाथ खड़े कराए थे। अबे सिंचन चुपचाप चलता रहे, इनको सबक सिखाना, इनकी इतनी हिम्मत, मेरे छोटे भाई के 3 लात मारी, आ जा सिंचन। अरे फ्रैंकल भैया इनको बहुत मारना। अरे तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, चॉप के दांतों से इनके पैर को उधड़वा दूंगा, बस चॉप यार घर पे हो, स्वीटी से मिलने ना गया हो। बहुत बढ़िया चॉप के बच्चे भाई तेरे, सिंचन को भाई 3 लात मारी है, जाके भाई ऊपर पैर उधेड़ दे, गुंडे रखे। अब भाई साहब कलवे तू टेंशन क्यों ले रहा, भाई साहब किसकी हिम्मत होगी, भाई साहब मेरे सिंचन पे हाथ उठा दिया, अब भाई साहब कलवे कहां है वो गुंडे? अबे चॉप के बच्चे बस आते ही होंगे वो घर पे। अरे बॉस मैं क्या कह रहा हूँ बॉस, ये तो किसी कुत्ते की आवाज है बॉस, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे हाँ बापू, कुत्ते से तो मुझे बहुत डर लगता है, कहीं कुत्ता ऊपर तो नहीं आ रहा, इसके घर में कहीं कुत्ता हो? अरे बॉस कुत्ता, अरे बाप रे कुत्ता, भागो भागो भागो, अरे आज तो बापू गया, बापू का पैर उधेड़ देगा ये कुत्ता, मैं तो जल्दी भाग जाता हूँ। अब भाई साहब कहाँ भाग गए, भाई साहब अगर दिख गए ना भाई साहब इनके पैर को तो मैं उधेड़ दूंगा, पता नहीं भाई साहब ये कहाँ चले गए। चलो भाई साहब ये तो चले गए जिनको जहाँ जाना था, कजुए को तो मैंने बचा लिया और सिंचन को भी बचा लिया, चलो भाई साहब पटाउट से स्वीटी से मिलने चले जाता हूँ मैं तो। अरे यार फ्रैंकल भैया सच बताना यार, तुम तो बहुत ज्यादा डर गए थे। अबे कहाँ सिंचन के बच्चे, मैं तो बिल्कुल भी डर रहा था, बल्कि सिंचन तू डर गया, तू तो घर में बहुत दादा बनता है, वहां कैसे तूने हाथ खड़े कर रखे थे? अरे फ्रैंकल भाई मैंने कोई हाथ वात नहीं खड़े करे। ओए सिंचन मेरे पास वीडियो भी है, तेरे को वीडियो दिखाऊं, मैंने वीडियो भी बना ली थी तुम दोनों की। अरे बॉस उसके घर पे अगर हम एटीएम लगाते थे ना, बहुत फायदा रहता, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं पैसे निकालने। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, इस गली में भी काफी अमीर लोग रहते हैं, देख मिल गया अगर ये लोग पक्का एटीएम लगवाएंगे। बॉस मजा आ जाएगा अगर इन लोगों ने एटीएम लगवा लिया तो, उतर जाओ फटाफट से तू। अरे बॉस हम तो उतर गए, तुम भी उतर जाओ, बातचीत कर लूं बॉस मैं। अबे तू क्यों बातचीत कर रहा है, मैं जाता हूँ और इनसे बातचीत करता हूँ, समझ रहा है, तू चुपचाप यहीं खड़ा रहियो। जी बॉस जैसा आपका हम वैसा करेंगे। हाँ जी मेरी बात सुनो। अरे यार फ्रैंकल भाई ये कौन है यार, चुटिया वाला अंकल? अरे मैं चुटिया वाला अंकल नहीं हूँ, मेरी बात सुनो, अपने घर के बाहर तुम एटीएम लगवा लो। अरे भाई एटीएम लगवा लो मतलब? अरे कुछ नहीं, बस तुम अपने घर के बाहर एटीएम लगवा लो, लोग पैसे निकलवाने आएंगे और हम हर महीने तुम्हें 10,000 रुपए दे देंगे क्योंकि तुम्हारे घर के बाहर एटीएम लगेगा ना। अरे वाह फ्रैंकल भाई लगवा लो लगवा लो, कम से कम फ्रैंकल भैया फ्री में हमको 10,000 रुपए तो मिलेंगे यार, रिमोट कंट्रोल कार्ड दिला देना। हाँ फ्रैंकल भैया लगवा लो, बहुत सही डील है फ्रैंकल भैया। ठीक है भाई तुम एक काम करो, मेरे घर के बाहर तुम फटाफट से एटीएम लगवा दो, ऐसी अपॉर्चुनिटी को तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। अरे यार पूरे 2 घंटे बीत गए यार ये एटीएम लगाते लगाते, मेरा तो हार्ट ही दर्द कर गया, लेकिन फाइनली मैंने इनकी दीवार में ये एटीएम फिट कर दिया। अरे बॉस अब इनके पैसे डाल दो जो 10,000 डालने थे। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं इनके एटीएम में ही डाल दूंगा पैसे। अरे हाँ भाई तू ना मेरे बैंक में पैसे डाल दियो 10,000 रुपए। अरे भाई जितना जल्दी हो सके ना पैसे डाल दियो, क्योंकि यार हमको रिमोट कंट्रोल कार भी खरीदने जाना है। अरे बॉस चलते हैं, इनके यहाँ पे तो एटीएम लगा दिया, अभी औरों के घर के आगे भी एटीएम लगाना है, लोग हमारे एटीएम से पैसे निकालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अरे हाँ मैं बैठता हूँ, ये ले बैठ गया, चल फटाफट से अपने ट्रक को भगा, आज कम से कम 10 लोगों के घर के बाहर एटीएम लगाना है। अरे ए, क्या कर दिया मैंने यार बॉस, कुछ कहोगे तो नहीं मुझे, मैंने आपकी गाड़ी ठोकी? अरे क्यों नहीं कहूंगा, तू ऑफिस चल, ऑफिस में बताऊंगा तेरे को मैं। अरे सिंचन मजा आ गया भाई, अब तो मेरे को कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है, फ्री में सिंचन घर पे बैठे बैठे 10,000 रुपए आएंगे, ऐसा ही कोई काम तो मैं ढूंढ रहा था। अरे फ्रैंकल भैया काम क्या ढूंढ रहे थे, ये काम तुम्हारे घर पे खुद चल के आए? हाँ फ्रैंकल भैया तुम्हें तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये बंदा खुद आया हमारे घर के बाहर एटीएम लगा दिए। अब फ्रैंकल भैया हर महीने हमको यार 10,000 रुपए भी मिलेंगे क्योंकि हमारे घर के बाहर लगाए ना उसने अपना एटीएम। सिंचन तो टेंशन मत ले, शाम को ना भाई तेरे को रिमोट कंट्रोल कार्ड दिलाने चलूंगा।
अरे वाह यार, पूरे 4 घंटे बीत गए और शाम भी हो चुकी है। चलो फटाफट से यार सिंचन के घर पे जाता हूँ। फ्रैंकिल भैया बोल रहे थे कि आज उसे रिमोट कंट्रोल कार दिलाएंगे। लगे हाथ, मैं भी फ्रैंकिल भैया से बोल दूंगा कि मुझे भी दिला दो रिमोट कंट्रोल कार। अरे ये क्या है यार, इतना सारा पैसा! लगता है ये ATM मशीन खराब हो गई, इसने तो इतना सारा पैसा फेंक दिया बाहर। मजा आ गया, जल्दी से जाके फ्रैंकिल भैया को बताता हूँ, ऐसे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। ये मशीन फ्री में पैसा फेंक रही है, जल्दी जाता हूँ। फ्रैंकिल भैया बाहर निकलो। अबे सिंचन, ये तो लिटिल सिंघम की आवाज है, लेकिन वो हमारे घर के बाहर आके गला क्यों फाड़ रहा है? पता नहीं फ्रैंकिल भैया, लगता है उसका गला खराब हो गया, जब भी यहाँ पे आके चीख रहा है। जल्दी देखना पड़ेगा क्या बात होगी, इतनी तेज कैसे चिल्ला रहा है वो। फ्रैंकिल भैया बाहर निकलो। अबे कैसे चिल्लाया जा रहा है, हाथ हो गया। अरे फ्रैंकिल भैया देखो, ATM मशीन खराब हो गई। अरे सेट अप, 10,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अरे फ्रैंकिल भैया देखो तो सही। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा! लगता है ये मशीन खराब हो गई, ये तो ऑटोमेटिकली यार पैसा फेंक रही है बाहर। मजा आ गया, इसका मतलब ये सारा पैसा मेरा हो गया। बल्ले बल्ले, अब तो बहुत मजा आ गया। कहां मैं 10,000 की सोचा था, अब तो सिंचन हमारे पास बहुत पैसा आएगा। अरे फ्रैंकिल भैया यार, अब रिमोट कंट्रोल कार छोड़ो यार, सुपर कार लेने चलते हैं यार बैनी की दुकान से। अबे सिंचन, बैनी थोड़ा बेचता यार गाड़ी, सिमियन बेचता है। तो गाइस जरा भी मैंने ना अपना एक पूरा बैग भर लिया है पैसों से, और गाइस सिंचन और लिटिल सिंह हमने भी यार सूटकेस भर लिया है पैसों से। अरे फ्रैंकिल भैया, मैं तो सूटकेस को एकदम टाइट पकड़ के रखूंगा, क्योंकि इसमें ना पैसे भरे हुए हैं। और फ्रैंकिल भैया मैं भी, और गाइस ये मशीन ना भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गाइस ये तो पैसे फेंके जा रही है। अरे फ्रैंकिल भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है। हां भाई सही है, चल फटाफट से चलते हैं सिमियन की दुकान पे, और वहां से गाइस गाड़ी लेके आएंगे। मैं तो गाइस आज ये सोच रहा था कि मेरे पास गाड़ी नहीं है यार, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन गाइस आज देखो यार, मेरे पास पैसे आ गए, अब फटाफट से जाके गाड़ी लेके आ जाता हूँ। अरे यार भगते भगते तो मेरी पूरी हालत खराब हो गई, लेकिन फाइनली मैं यार सिमियन की दुकान पे तो पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पर यार कितनी सारी सुपर कार है, मजा ही आ गया। आज तो भाई ये गाड़ियां मैं खरीद के रहूंगा, और यहाँ पर थोड़े बहुत लोग भी खड़े हैं। अरे भाई सिमियन कैसा है तू? ए कैन, मैं तुझे जानता नहीं हूँ। अरे भाई आज मैं ना तेरी दुकान से गोल्ड की कार खरीदने के लिए आया हूँ। तो खरीदना, पैसे दे और खरीद ले। अरे यार तेरे मुंह पे अभी पैसे फेंक के मारेंगे, धीरे बोल, समझ रहे हैं? बहुत अमीर आदमी है। अच्छा बहुत अमीर आदमी है तो खरीद लो ना गाड़ी, 1.5 करोड़ रुपए लाओ और खरीद लो। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, अभी यहाँ पे तेरे पास पैसे रख देते हैं और यार हम सुपर कार खरीद लेते हैं। खरीदो खरीदो, हम तो खरीदने के लिए, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं। तो फाइनली गाइस मेरे लिटिल सिंघम और सिंचन के पास जितना भी पैसा था ना गाइस, हमने इसको दे दिया है, और गाइस इसने एक बक्से में भी रख लिया है। अब गाइस बारी है, हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे अपने घर को। अरे हाँ फ्रैंकिल भैया, फटाफट से घर पे पहुंचते हैं, और यार उस ATM मशीन ने जितना भी पैसा फेंक दिया होगा ना, उसे और बटोल लेंगे। हाँ सिंचन तो सही कर रहा है, बैग में रख लेंगे। चल लिटिल सिंघम बैठ जा। नहीं फ्रैंकिल भैया, मेरे को भी नई गाड़ी दिलाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अबे फटाफट से बैठ जा, अभी तो सारे पैसे खत्म हो गए, घर से लाने पड़ेंगे। अच्छा फ्रैंकिल भैया दिलाओगे ना मेरे को भी एक सुपर कार? अरे चुप कर जा, रिमोट कंट्रोल कार दिला देंगे तेरे को। नहीं सिंचन भाई, रिमोट कंट्रोल कार नहीं, अब तो मैं भी बड़ी वाली कार लूंगा, वो भी गोल्ड की, जैसे फ्रैंकिल भैया ने ली है। हाँ चल ठीक है, क्यों चिंता कर रहा है, तेरे को भी एक गोल्ड की सुपर कार दिलाई दूंगा। अरे वह फिर तो फ्रैंकिल भैया यार, मेरे को भी दिलाना। चल सिंचन तेरे को मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो सिंचन तू एक घर भर के रिमोट कंट्रोल कार ले ले, या सुपर कार ले ले, बता क्या लेगा? अरे क्या लू यार, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। गाइस आप लोग मेरे को फटाफट से कमेंट करके बता दो यार कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। गाइस पहला ऑप्शन है कि यार मैं ना घर भर के रिमोट कंट्रोल कार ले लूं, और दूसरा ऑप्शन है गाइस मैं ना यार ये गोल्ड की सुपर कार ले लूं नई लिटिल सिंघम की तरह। फटाफट से गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं ना वही चीज लूंगा। और गाइस यार अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस? फ्रैंकिल सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट से गाइस अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।